सो बीते दिन राजपुरे पुराना राजपुरे दे विच मस्जिद दा मामला जिहड़ा है काफ़ी गरमाया गया सीगा। कुछ लोग कहिंदे सी कि गुरुद्वारे की जगह ते कुछ लोग कहिंदे सी कि इह जिहड़ी है मुसलमान भरावां दी जगह है। तो साडे नाल उस मुद्दे नूं लै के जिहड़ा हैगा उरे बीते दिन सतीश जिहड़े गऊ रक्षा दल दे प्रधान हैगे उन्हां वल्लों जिहड़ा है मुद्दा काफ़ी गरमाई दे नाल जिहड़ा है लगातार चक्किया जा रिहा सी। ते बीते दिन जो पता लग्या सानूं कि उन्हां वल्लों एक पोस्ट पाई गई सी जो पुलिस वल्लों जिहड़ा है पहला डिलीट कराई गई, उस तो बाद सतीश कुमार जिहड़ा है थाने दे विच बुला के जिहड़ा अरैसट किया गया। जो लोग ते समर्थक सतीश कुमार ने कहा जा रहा जो उन्होंने फैमिली सामने आके कह रही है। साडे नाल मौजूद है इस टाइम तुसीं देख सकते हो असीं राजपुरा दे मानयोग अदालत जिहड़ा कोर्ट परिसर है उत्थे खड़े हैं ते उरे सतीश कुमार नूं लियाया गया। सीधे पंजाब दे हिंदुआं दे नमक छिड़कण वाली गल है, पंजाब दा हिंदू चारा कदे इहनूं बर्दाश्त नहीं करूगा। असी जल्दी सारे संगठन हो के इहदे खिलाफ रणनीति बनावांगे। अज दा जिहड़ा साडा मेन पहला जिहड़ा साडा भरा सतीश कुमार जिन्हां ते परचा दर्ज होया न्यायालय तों उहनां नूं असी उम्मीद करदे हां कि न्यायालय उहनां नूं बाइज्जत बरी करूगा ते उस तों बाद फिर टोलिया पुछगा। गऊ रक्षा दल के कौमी प्रधान सतीश कुमार राजपुरा नूं कीता गया पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार। धार्मिक भावनावां भड़काउण दे मामले दे विच राजपुरा पुलिस ने रात दे वेले ही गिरफ्तार कीता सी। गऊ रक्षा दल के कौमी प्रधान सतीश राजपुरा नूं पंजाब पुलिस दे वल्लों धार्मिक भावना भड़काउण दे आरोप तहत बीती रात पुलिस दे वल्लों 153A, 1B अते IPC दी धारा तहत गिरफ्तार किया गया अते अज गऊ रक्षा दल के कौमी प्रधान सतीश राजपुरा नूं सिविल कोर्ट राजपुरा दे विच पेश किया गया, जिथे माणयोग कोर्ट दे वल्लों गऊ रक्षा दल के कौमी प्रधान सतीश राजपुरा 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी दे विच भेज दिता गया। सो बीते दिन राजपुरे पुराना राजपुरा दे विच मस्जिद का मामला जिहड़ा है काफ़ी गरमाया गया सीगा। कुछ लोग कहिंदे सी कि गुरुद्वारे की जगह तो कुछ लोग कहिंदे सी कि इह जिहड़ी है मुसलमान भरावां दी जगह है। तो साडे नाल उस मुद्दे नूं लै के जिहड़ा हैगा उरे बीते दिन सतीश जिहड़े गऊ रक्षा दल दे प्रधान हैगे उहनां वल्लों जिहड़ा है मुद्दा काफ़ी गरमाई दे नाल जिहड़ा है लगातार चक्किया जा रिहा सी। ते बीते दिन जो पता लग्या सानूं कि उहनां वल्लों एक पोस्ट पाई गई सी जो पुलिस वल्लों जिहड़ा है पहला डिलीट कराई गई, उस तों बाद सतीश कुमार नूं जिहड़ा है थाने दे विच बुला के जिहड़ा अरैसट किया गया। जो लोग ते समर्थक सतीश कुमार दे कहा जा रहा जो उन्हां दी फैमिली सामने आके कह रही है। साडे नाल मौजूद है इस टाइम तुसीं देख सकते हो असीं राजपुरा दे मानयोग अदालत जिहड़ा कोर्ट परिसर है उत्थे खड़े हां ते उरे सतीश कुमार नूं लियाया गया पेश करन वास्ते। ते उस तों बाद हुण की बनदा है, हुण अदालत वल्लों जिहड़ा है सतीश कुमार नूं जमानत दित्ती जांदी है कि जुडिशियल रिमांड ते भेजा जांदा। काफ़ी वड्डी संख्या दे विच उन्हां दे समर्थक मौजूद हैं। ते निशांत शर्मा जी तुसीं देख सकते हो कि साडे नाल इस टाइम मौजूद है, बजरंग दल तो जिहड़ा भारतवाजी साडे नाल इस टाइम मौजूद। आपां गलबात करांगे, की कहना चाहोगे जी लगातार जिहड़ा है ये मामले जिहड़े हैं गर्म हो रहे हैं ते लगातार जिहड़ा है परचे दर्ज हो रहे हैं, की कहना चाहोगे इन्हां नूं? साथियों मैं निशांत शर्मा कौमी प्रधान शिवसेना हिंद, मेरे नाम मेरे बड़े भरा हितेश भारद्वाज जी कौमी प्रधान बजरंग दल हिंदुस्तान, परमिंदर भट्टी जी शिवसेना हिंद कौमी मीत प्रधान। सानूं जदों पता लग्या वी सतीश जी ते इहदा मुकदमा दर्ज होया असीं उस वेले उच्च अफसरां नाल गल कीती, उस वेले अरैसट पै चुकी सी। उन्होंने दस्सिया कि कोई पोस्ट जिहड़ी है शायद मैं हजे असीं पोस्ट नहीं देखी कि कोई भड़काऊ पोस्ट है, सतीश जी नूं बुलाया गया। सतीश जी एक कानून नूं मन्नण वाले इंसान ने, साडे संविधान नूं मन्नण वाले इंसान ने, जिहड़े थाने च आए उन्हां दी गिरफ्तारी हुई। हुण भी सानूं जुडिशली ते और पुलिस प्रशासन ते पूरा विश्वास है कि सानू इंसान मिलेगा। इहदे नाल नाल मैं सारे भाईचारे नूं एक अपील करांगा कि सोशल मीडिया के उपर कुछ भी लिखण तो पहला एक बार सोच लिया करो। कई बार इंसान भावुक होंदा है क्योंकि सतीश जी ने जो लिखिया, पहली गल मैनूं पता नहीं है, कई बार की होंदा कि सानू बाहरले नंबरां तों इहो जिहियां फोन आउंदे आ, पोस्टां आउंदियां, असीं कंप्लेट भी दिंदे, पुलिस तों वी ट्रेस नहीं होंदे क्योंकि वह इंटरनेशनल नंबर होंदे आ जिस साडे
मुस्लिम भाईचारे के कुछ खालिस्तान समर्थक सानू बड़िया गलत गलत फोटो भेजते हैं जिन्होंने कई बार बंदा भावुक हो जाता इमोशनस हो जाता तो इदा कर देता है। तो सानू प्रशासन का भी विश्वास है, अज साडा शिवसेना हिंद वालों मैं आया हाँ, साडा एक भगवान रक्षा दल एक असी बनाया है जिसे पंजाब दे विच किसी भी सनातनी ते कोई भीड़ पैंदी है असी इकट्ठे होने। सुधीर सूरी जी साढ़े शिवसेना टकसाली तो शिवसेना पंजाब तो कनौली साहब अतेज जी पट्टी साहब सारे इकट्ठे हैं तो सानू पूरा विश्वास है भी इंसाफ मिलेगा। ये नाल नाल मैं प्रशासन को यह भी अपील करांगा कि जे किसी सनातनी तो गलती हो जाती है पहला करैक्टर देखना चाहिए। सतीश जी वो इंसान ने जिन्होंने सैकड़े नहीं हज़ारा गौधन कट्टन तो बचाया, सैकड़े बूचड़ जेलों से बचाए, सैकड़े बूचड़ खाने फड़ाए, एक ईमानदार शख्सियत के मालिक ने। अज भी उन्होंने घर देख लो बाले बाले बड़े बड़े पे हुए हैं। यह जे इंसान के बारे जरा सोचना चाहिए। जान जी तुम किस तरह देखना चाहते हो, पहला सिंगला जी से परचा दर्ज होंगे तो हूँ जो है सतीश जी से परचा दर्ज होंगे लगातार। सानू इंसाफ देखो, असी घट गिनती हाँ। देखो जे इंसाफा की गल करिए 35,000 निर्दोष हिंदुओं के कतल हुए अत्तवाद के समय, पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब पुलिस के जवान शहीद होए, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिलिया। उल्टा उन्होंने मारन वाले शहीद आजम बेअंत सिंह जी मारन वाले शहीद करने वाले उन्होंने नाल 17 बेगुनाहों शहीद करने वाले अत्तवादियों की रिहाई लई बंदी सिंघां दा उन्होंने नाम दिता जा रहा, उन्होंने रिहाई लई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही ने। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वर्गे बड़े लीडर अपने वोट बैंक के खातर अत्तवादियों के सपोर्ट्स खड़ गए ने। इन्हों का भी कोई स्टैंड नहीं है। एक पासे कहिंदे आ कि अत्तवादियों छड़ना चाहिए बंदी सिंह ने, दूजे पासे इन्होंने साला साहब जिहड़े कि पटियाला जेल च ने मजिठिया साहब वो उन्होंने धर्म पत्नी जी एप्लीकेशन लाते हैं कि पटियाला जेल च अत्तवादियों को खतरा है, तो अत्तवादी तो कोई इत्थे पटियाला जेल च तो इन्हों स्टैंड कोई समझ नहीं आता। दूसरा जे इन्हों बंदी सिंह रिहाई करन दी अत्तवादी रिहाई करन दी इन्नी ही हो है अकाली दल नूं, तां इह अज तों 15 साल पहला जो सत्ता दे सीगे जो भार झंडिया ला के घूमते सरकार दियाँ राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री भवन इन्हों गड्डिया जांदियां सी उदों इन्हां ने मुद्दा क्यों नहीं चक्या, अज सत्ता तो बाहर हो गए तो उन्होंने ये चीज़ा दिखन लग गई जिहड़ी बड़ी निंदा की गल है। वोट बैंक करके साडे देश दे इन्हां लोकां ने बेड़ा गर्क किया होया। हुण तुसीं की कहना चाहोगे सतीश जी दे मुद्दे ते? हुण सतीश जी दा मामला हुण अदालत दे विच पहुंच गया, सानू भारतीय कानून ते पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ मिलेगा। पहला भी सतीश जी ते झूठे मुकदमे दर्ज होए आ, उन्हां चों बरी होए अच्छी बरी होणगे। ठीक है भारतवाज जी, तुसीं की कहना चाहोगे, किस तरह देखदे हो तुसीं? निशान जी ने बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ी गल पेश कीती, की कहना चाहोगे जिहड़ा सतीश जी ते मामला दर्ज होया? देखो जिहड़ा सतीश दे उपर यह मामला दर्ज होया, साढ़े गऊ रक्षा दल के प्रधान ने, भगवान रक्षा दल के साढ़े मैंबर ने, साढ़े आदरणीय सुधीर सूरी जी, संजीव कनौली जी, निशान शर्मा जी, सारे जिहड़े ने, राजीव टंडन जी, पूरे पंजाब के हिंदू संगठन एक फ्रंट से इकट्ठे हुए हुए हैं। एक लड़ाई लड़ी है पटियाले काली माता मंदिर बेअदबी लैके सतीश जी वो बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। पर कल रात में एक बड़ी मंदभागी घटना होंगी है जदों सतीश जी ले जाया जाता, बुलाया जाता किसी बहाने सिर ते बुला के, मैं उन्होंने पोस्ट जी है डिलीट हो गई है। वैसे वो पोस्ट के मैं पूछना चाह रहा थोड़े माध्यम राही पूछना चाह रहा कि सतीश जी ने यह जहाँ किसी टारगेट करता भी जोड़ा वो किसी कम्यूनिटी को हरास करता? दिल दिया गहराइया ने साडे मंदिरों पर पथराव हो रहा, साडे मंदिरों के उपर कुछ ही दिन पहला पथराव होया, लेकिन उस तो बाद भी जे कोई बंदा आवाज़ चकदा तो उन्हें चक के जेलों भेजता जाता, उन्हों जिहड़ा आ उहदे ते परचे झूठे दर्ज करते जाते हैं। पूरा हिंदू समाज जिहड़ा सतीश जी नाल डट के खड़िया, मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे। पंजाब के काले दौर के पीड़ित, पंजाब के घट गिनती हिंदू, इन्हां नूं इंसाफ तां की देना? अज इन्हां दी आवाज़ मौजूदा पंजाब सरकार जिहड़ी है दबण की कोशिश कर रही है, चाहे वह बादलों की सरकार सी, चाहे वह अज की मौजूदा सरकार है। इन्हां नूं घट गिनती हिंदुओं ते अत्याचार होने शुरू हो गए ने, यह शुरुआत है कदे मंदिरां दी बेअदबी ते कदे हिंदू नेतावां नूं झूठे परचियां च फसाउणा। पंजाब दा हिंदू समाज इस चीज़ नूं कदे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिहड़ी गल निशान शर्मा जी ने कही है कि लोग बेअदबियां करदे ने, बेअदबियां करके साडे धर्म बारे अपशब्द बोलदे ने, लखां कंप्लेंटां असीं दे चुके हैं लेकिन प्रशासन उत्ते कार्रवाई नहीं करता। लेकिन सतीश जी अर्गे किसी नूं दो लफ्ज बोल दिंदे ने तो तुरंत जिहड़ा आ परचा दर्ज करता जांदा। अज सारा जिहड़ा पंजाब दे हिंदू संगठन ने सतीश जी दे हक दे विच इत्थे राजपुरा कोर्ट दे विच खड़े ने। सानू माननीय न्यायालय तो उम्मीद है कि सतीश जी नूं
बेल भी मिलेगी तो इंसाफ भी मिलेगा। दूजी गल तुहाडे चैनल के माध्यम नाल कह रहे हैं जिहड़ा पंजाब के घट गिनतियां दे नाल इन्हां दे अत्तवाद के दौरान दिते हुए जख्म अज बंदी सिंघां की रिहाई दे विच जिहड़े अकाली दल के नुमाइंदे इकट्ठे हो के उन्हां नूं भरा कह रहे हैं उन्हां कातलां नूं कह रहे ने इह सीधे दा सीधे पंजाब दे हिंदुआं दे नमक छिड़कण वाली गल है। पंजाब दा हिंदूचारा कदे इहनूं बर्दाश्त नहीं करेगा। असी जल्दी सारे संगठन हो के इहदे खिलाफ़ रणनीति बनावांगे। अज दा जिहड़ा साडा मेन पहला जिहड़ा साडा भरा सतीश कुमार जिन्हां ते परचा दर्ज होया न्यायालय तो उन्होंने असी उम्मीद करते हैं कि न्यायालय उन्होंने बाइज्जत बरी करेगा तो उस तो बाद फिर तुहाडा विचार करांगे। बहुत धन्यवाद। तुसीं गल सुनी असी निशान शर्मा जी नाल गल कीती ते भारतवाद जी जिहड़े साडे नाल मौजूद सी असी अदालत दे परिसर दे विच खड़े हां ते इस टाइम सतीश कुमार नूं जिहड़ा अंदर अदालत दे विच पेश करन वास्ते लिजाया गया जो साडे सूत्र दसदे आ कि माननयोग अदालत वल्लों जिहड़ा सतीश जी नूं गऊ रक्षा दल दे प्रधान जिहड़े सतीश जी नूं जिहड़ा है जुडिशियल रिमांड ते भेज दिता गया जेल भेज दिता गया लेकिन कितें ना कितें उन्हां दी जमानत दे लई जिहड़े है उन्हां दे जिहड़े समर्थक है वो लगातार जिहड़े है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हां दी जमानत हो जाए। हुण देखना यह होएगा आने वाले समय के कि सतीश जी की जमानत होंगी है या सतीश जी जेल भेजा जाता तो अगे हिंदू संगठन जिहड़े हैं इसते होर की अगे अपनी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन मोहित संदीप चौधरी न्यूज़ 18 पंजाब।